सो हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA के बारे में मोस्टली आप लोग जानते होंगे, जो कि इंडिया के अंदर वेरियस काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और इसी वजह से NTA काफ़ी विवादों में भी बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अप्रूव है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन मोटो इंडिया के अंदर एंट्रेंस एग्जामों को कंडक्ट कराना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन NTA एग्जाम्स को कंडक्ट कराते कराते कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में भी आ चुकी है। पिछले कुछ सालों में NTA के नाम बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली है। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीत जोशी को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी अपॉइंट किया है। NTA इंडिया के अंदर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। NTA जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके अंदर जो एग्जाम आते हैं उनमें ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE, एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी कि CMAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GPAT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET एंड ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी कि AIAP GET। ये सारे एग्जाम हैं जो कि NTA कंडक्ट कराता है और इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो NTA की जो रूट्स हैं उन्हें प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 से पता लगाया जा सकता है, जो कि रिलेटेड था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से, जिसमें कि मेंशन किया गया था टू कंडक्टेड नेशनल लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज के लिए होगा। बेसिकली NTA की जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी, जब IIT के कुछ डायरेक्टर्स के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। इस रिपोर्ट में NTA को बनाने के लिए डिमांड की गई थी जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएटेड हो। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 7 लोगों की एक टीम बनाती है जो कि प्रिपेयर करेगी ब्लूप्रिंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को आगे बढ़ाने के लिए। और 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में NTA के बनने की घोषणा की गई जो कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड थी। 17 जुलाई 2018 को यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया था NTA के द्वारा कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होल्ड किए जाएंगे। जब NTA स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर यूनियन कैबिनेट ने NTA को इनिशियल डेज में काम करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे। तो चलिए NTA जो एग्जाम कंडक्ट कराता है अब उन्हें देखते हैं। सो ये रही उन एग्जाम्स की लिस्ट जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। सो जैसा कि वीडियो में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि NTA अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के साथ साथ कई बार विवादों में भी रही है। सो अब जानते हैं कि NTA के नाम ऐसी कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं। सो 2020 में JEE मेंस असम टॉपर घोटाला जो कि NTA के नाम रहा है। 2020 में JEE मेंस में एक कैंडिडेट नील नक्षत्र दास ने एग्जाम देने के लिए एक तरीके का यूज किया था, बाद में उन्हें एग्जाम में 99.8% मार्क्स आए थे जो कि अपने स्टेट के टॉपर निकले, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने चीटिंग की थी और इसके बाद NTA इस पर एक्शन लेते हुए भार्गव डेका जो कि सिटी में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे और कैंडिडेट नील नक्षत्र दास और उनके फादर ज्योतिर्मय दास सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। दूसरी जो कंट्रोवर्सी निकल कर आती है वो NEET 2020 एग्जाम में होती है। NTA ने NEET 2020 के गलत एग्जाम घोषित किए थे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की विधि सूर्यवंशी को 6 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है और सुसाइड करने के बाद इस झूठ का पता चलता है। जब उसकी कॉपी रीचेक होती है तो उससे पता चलता है कि उसको 6 मार्क्स नहीं बल्कि 590 मार्क्स आए थे। इसके अलावा NEET 2020 में NTA कथित तौर पर मृदुल रावत को फेल करने का रिजल्ट घोषित करती है, जिसपे कि मृदुल रावत अपनी कॉपी जब रीचेक कराते हैं तो वो अपने स्टेट के टॉपर निकलते हैं। इसके अलावा NTA के द्वारा कंडक्टेड JEE 2020 में भी टेक्निकल इश्यू देखने को मिले थे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्निकल इश्यू को फेस करना पड़ा था एग्जाम के दौरान। इसके अलावा NTA के द्वारा JEE मेन 2022 के और अदर एंट्रेंस एग्जामों में डिफिकल्टी लेवल को ज्यादा रखने की वजह से भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी को झेलना पड़ा था, जिससे कि बच्चों के मार्क्स कंसिस्टेंटली कम
काम हो गए थे। सो दैट्स द होल स्टोरी। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।